नॉर्मल कार्बोरेटर है। जो नॉर्मल कार्बोरेटर एडल्ट में होते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। ये नॉर्मल कार्बोरेटर है। ये कार्बोरेटर स्टोन है जिसके नीचे शेडो आ रहा है। ब्राइट इकोजेनिक ये स्टोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोरेटर पोलिप की। पोलिप कार्बोरेटर के अंदर किसी भी जगह के ऊपर हो सकते हैं, इसका कोई शेडो नहीं होता है जिस तरीके से स्टोन का हमने देखा। ये हेपेटाइजेशन ऑफ द गॉलब्लैडर, इसके अंदर जो गॉलब्लैडर है ये फुल ऑफ स्लज हो जाता है और इसके अंदर स्टोन भी नज़र आ रहा है। ये हेपेटाइजेशन ऑफ गॉलब्लैडर विद कोलिलिथियसिस आएगा। ये गॉलब्लैडर स्लज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसिलीन गॉलब्लैडर में। इसमें जो गॉलब्लैडर की वॉल होती है ये हमें इसी तरीके से कैल्सिफाइड नज़र आती है। सेप्टेटेड गॉलब्लैडर, ये गॉलब्लैडर के अंदर मल्टीपल सेप्टा प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं गॉलब्लैडर कार्सिनोमा की। इसके ऊपर जब हमने कलर टॉपर डाला तो हमें गॉलब्लैडर के अंदर वास्कुलैरिटी नज़र आई। ये कोलिसिस्टाइटिस है। कोलिसिस्टाइटिस जो होती है उसमें थिकन गॉलब्लैडर वॉल होती है। इसलिए जीबी की वॉल हमने मैयर की तो वो थिकन आ रही थी और इसके अंदर स्टोन भी शो हो रहा है। ये गैंग्रीनियस कोलिसिस्टाइटिस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉलब्लैडर डुप्लीकेशन की। एक जी भी ये है, दूसरा जी है। ये गॉलब्लैडर एडिनोमायोमेटोसिस, इसके अंदर हमें इस तरीके से कोमेंटेल आर्टिफैक्ट की तरह से नज़र आती है कमेंटेल।